आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। फॉर्मर बॉलीवुड एक्टर चिराग पासवान अब एक जाने माने पॉलिटिशियन हैं। एक वक्त था जब उन्होंने बॉलीवुड की क्वीन एक्ट्रेस कंगना रानावत के साथ काम किया था। हाल ही में चिराग पासवान ने उन दिनों को याद करते हुए कंगना रानावत पर तंज कस दिया। दरअसल चिराग ने कंगना रानावत के साथ फिल्म मिले ना मिले हम में काम किया था। हालांकि उनका फिल्मी करियर कुछ खास ना चल सका और उन्होंने फिल्म बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। चिराग पासवान दिग्वंत राजनेता रामविलास पासवान के बेटे हैं। अपने पिता के निधन के बाद चिराग ने उनकी कुर्सी संभाली। फिलहाल वे बिहार के जमुई निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं। चिराग पासवान ने कंगना रानौत पर निशाना साधा। उनके मुताबिक अगर वे कंगना के साथ काम कर रहे होते तो वो रोज नेपोटिज्म पर उनकी क्लास लगाती। फिल्म मिले ना मिले हम पर बात करते हुए चिराग ने कहा, भगवान का शुक्र है ये फिल्म मैंने कंगना के साथ उस वक्त की। आज कर रहा होता तो जिस तरह से वे नेपोटिज्म के मुद्दे को हाईलाइट करती है रोज मेरी क्लास लगती। जमुई सांसद और फॉर्मर एक्टर ने आगे नेपोटिज्म पर बात करते हुए कहा कि किसी का किसी सुपरस्टार या प्रधानमंत्री के बेटा या बेटी के तौर पर जन्म लेना उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं हो सकती। चिराग ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि वे एक्टिंग के लिए नहीं बने। फिल्म करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि डायलॉग बोलना और मेकअप करना उनके बस की बात नहीं है। बता दें, फिल्म मिले ना मिले हम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म में चिराग पासवान और कंगना रानौत लीड रोल्स में थे। इसके अलावा पूनम ढिल्लो, कबीर बेदी, सागरिका घाटके और सुरेश मेनन ने भी अहम किरदार अदा किए थे। बॉलीवुड छोड़ने पर चिराग ने कहा कि यहाँ बिताए छोटे से समय में उनका नजरिया साफ हुआ कि उन्हें जीवन में क्या करना है। उन्होंने कहा, मैं बॉलीवुड को नहीं छोड़ा, बॉलीवुड ने मुझे छोड़ा। मुझे लगता है मैं इसके लिए नहीं बना था। जब मैं गया तो बचपने के शौक में गया। स्कूल कॉलेज में लोग आपको चढ़ा देते हैं कि अरे अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। चिराग ने नेपोटिज्म पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, दोनों ही क्षेत्र में जनता ही आपका भाग्य तय करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सुपरस्टार के बेटे हैं या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के। अगर जनता आपको पसंद करती है, किसी बड़ी हस्ती का सपुत्र या सपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। कंगना भी नेपोटिज्म पर के खिलाफ लगातार बयान देती रहती हैं और कई बड़े सितारों की काबिलियत पर सवाल उठाती रहती है। चिराग पासवान बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे हैं। 2 साल पहले लोक जनशक्ति पार्टी में अपने ही चाचा पशुपति कुमार पारस द्वारा बगावत किए जाने के बाद उन्होंने पार्टी बचाने के लिए खूब संघर्ष किया था। फिल्मों की बात करें तो कंगना के साथ मिले ना मिले हम के बाद वे किसी खास भूमिका में नजर नहीं आए। बॉलीवुड छोड़कर राजनीति में हाथ आजमाने चले गए। तो फिलहाल के लिए बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।